नमस्कार है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मूवीज ट्रेजर। आज मैं आपको बाहुबली फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसे 15 शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। साथ ही में मैं आपको बाहुबली 3 की थोड़ी बहुत स्टोरी और रिलीज डेट के बारे में भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, नहीं हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे रिव्यू लाता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर वन जो बाहुबली मूवी से जुड़ा हुआ है, वह है उसका म्यूज़ियम। आप जानते हो कि बाहुबली मूवी का एक म्यूज़ियम भी है। बाहुबली इकलौती ऐसी इंडियन मूवी है जिसका म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पर उसके वेपन्स और कॉस्ट्यूम्स रखे गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बाहुबली को इतना प्यार देने के बाद राजामौली ने उसका एक म्यूज़ियम बनाने का डिसाइड किया था, जो कि NTR गार्डन में मौजूद है। फैक्ट नंबर टू, बाहुबली मूवी बनने के साथ साथ ही एक नई लैंग्वेज भी बना दी थी राजामौली ने। यानी कि जब हम पहली मूवी में देखते हैं कि जो काले के होता है, जो वहाँ उस मूवी का विलेन होता है, उसकी जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो भाषा एग्जिस्ट नहीं करती, हुए बिल्कुल एक नई भाषा है जिसमें 750 वर्ड से और अपने ही ग्रामर रूल थे जो कि राजामौली ने बनाए थे। एक नंबर थी जो बाहुबली मूवी से जुड़ा हुआ है, वह है बाहुबली मूवी का पोस्टर। बाहुबली मूवी का जो पोस्टर है वो आज तक का लार्जेस्ट फिल्म पोस्टर है, जिसकी लंबाई 50,000 स्क्वायर फीट थी साइज में, और ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। फैक्ट नंबर फोर बाहुबली मूवी से ये है कि ये वाइल्डेस्ट डब्ड फिल्म है। मूवी को तमिल और तेलुगु में बनाया गया था, और बाद में इसको हिंदी, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच और जैपनीज में रिलीज किया गया था, जो कि आज तक कोई भी फिल्म इतनी ज़्यादा भाषाओं में डब नहीं हुई है। नंबर फाइव, बाहुबली मूवी के विजुअल इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने मूवी देखी हो तो मूवी एकदम हॉलीवुड जैसा फील देती है। तो आपको बता दूँ, बाहुबली मूवी में 5,000 VFX शॉट्स हुए थे। नंबर सिक्स जो बाहुबली मूवी से जुड़ा हुआ है, वो उसका सीन स्केचेस। 15,000 स्केचेस डिसाइड किए गए थे बाहुबली मूवी को बनाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मूर्ति है या फिर उनका जो रिजर्वायर है वो कैसा था, उन सब के लिए स्केच बने थे, और जो 15,000 थे। फैक्ट नंबर सेवन, और वो ये है कि बाहुबली मूवी में काम करने के लिए, अपने अच्छे मसल्स दिखाने के लिए, प्रभास और राणा ने 1.5 करोड़ की जिम बनाई थी, और वह उसमें ट्रेनिंग किया करते थे ताकि वह अपने मसल्स को अच्छी तरीके से पर्दे पर दिखाए। फैक्ट नंबर एट, और वो ये है कि बाहुबली इकलौती ऐसी इंडियन फिल्म है पिछले 100 सालों में जो BBC डॉक्यूमेंट्री में दर्ज हुई है। बाकी के फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो एक रिपोर्ट के मुताबिक हैं, जो एक DNA ने रिलीज की गई थी, और यह फैक्ट कोरवा के द्वारा नहीं माने आते हैं, लेकिन मैं जितनी भी मैंने रिसर्च करी सब साइट इसको एग्री करती हैं, बस कोरा को छोड़ के। तो जब भी आप इन फैक्ट्स को सुनो, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। फैक्ट नंबर नाइन, वो ये है कि अनुष्का शेट्टी ने बाहुबली मूवी में देव सेना का किरदार निभाया है, लेकिन आप जानते हैं कि अनुष्का शेट्टी से पहले वह नयनतारा को दिया गया था वो रोल, लेकिन नयनतारा ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। फैक्ट नंबर टेन, और वह फैक्ट ये है कि बाहुबली मूवी में जो शिवगामी का किरदार निभाया गया है, वह पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, लेकिन उनकी हाई डिमांड के चक्कर में उनको साइन नहीं कराया गया था। फैक्ट नंबर 11, और वह ये है कि बाहुबली मूवी में जिसने अवंतिका का किरदार निभाया है, यानी कि तमन्ना भाटिया ने अवंतिका का किरदार निभाया है, लेकिन वह पहले सोनम कपूर को ऑफर हुआ था, लेकिन बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं वह चाहते थे कि वह अपने पूरे 2 साल उनको दें। वह ये सब चीज़ नहीं चाहते थे कि वह कहीं और जाके काम करें, बस उसने 2 साल चाहते थे। सोनम कपूर ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए उनने ये रिफ्यूज़ कर दिया था। नंबर 12, और वो ये है कि बाहुबली मूवी में कटप्पा का किरदार सत्यराज ने निभाया है, लेकिन उससे पहले वह रोल मोहनलाल को दिया गया था, जिन्होंने लूसीफर जैसी मूवी में लीड एक्टर के तौर पर काम किया है, लेकिन उन्होंने एक रिव्यूज कर दिया था। नंबर 13, और वह ये है कि बाहुबली मूवी में बल्लाल जी का कैरेक्टर सबसे पहले जॉन अब्राहम को दिया गया था, लेकिन जॉन अब्राहम ने उससे रिफ्यूज़ कर दिया था। खबरें ये भी कहती हैं कि राजामौली ने स्क्रिप्ट भी जॉन अब्राहम को दी थी, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था उस मूवी में। फैक्ट भी बल्लाल जी के कैरेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, वह ये है कि जॉन अब्राहम के रिफ्यूज़ करने के बाद वह विवेक ओबराय के पास इसको लेकर गए थे, लेकिन विवेक ओबराय ने भी उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल में थे। नंबर 15, और वो ये है कि राजामौली चाहते थे कि बाहुबली हिंदी में रिलीज़ हो और बाकी भाषाओं में इसे बाद में डब किया जाए, इसलिए वह सबसे पहले बाहुबली के कैरेक्टर के लिए ऋतिक रोशन के पास गए थे, लेकिन ऋतिक रोशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी उस रोल के लिए, और उनको मूवी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाद में ये रोल प्रभास को दे दिया गया था। लेकिन जब राजामौली से इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और कहा था कि प्रभास के लिए ये कैरेक्टर लिखा गया था। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन सारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि रोशन को ये ऑफर हुई थी।
बात करते हैं कि बाहुबली 3 मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी। तो रिसेंटली इंटरव्यू में प्रभास ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि राजामौली के साथ काम करें, और अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो हम अगली फिल्म पे काम करेंगे। और वे ये नहीं जानते कि बाहुबली 3 रिलीज होगी या नहीं होगी। अगर बाहुबली 3 रिलीज होती है तो उसकी स्टोरी लाइन ये हो सकती है कि बल्लाल देव ने 25 साल जो राज किया था, अपनी प्रजा पर वह क्या क्या अन्याय काम करता था और कैसे कैसे उसकी प्रजा उसके बारे में सोचती थी, ये सब दिखाया जा सकता है। या फिर ये दिखाया जा सकता है कि बल्लाल देव के साथ युद्ध के बाद जो हानि हुई है उनकी प्रजा को, वह बाहुबली कैसे उसको पूरा करेगा, ये सब उस मूवी की स्टोरी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि बाहुबली 3 मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी। आप मेरे चैनल को प्लीज अब सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और दुनिया की मदद करो, क्योंकि उसकी फीलिंग अलग ही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।